उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। हालांकि शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम गुलजार हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में 31 मार्च तक गरज के साथ बारिश और हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई। मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद जताई है। IMD का अनुमान है कि शुक्रवार की तरह तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। IMD के अनुसार देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। IMD ने 31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही 1 मार्च के दौरान असम और मेघालय में छिटपुट बारिश की संभावना है। इसके अलावा नागालैंड में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD ने देश के कई राज्यों में भारी और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की से मध्य बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 31 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में 1 अप्रैल के बीच में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।